नमस्कार, मैं सोनाली सिंह, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो गया और चुनाव की तारीखें धीरे धीरे करके नज़दीक भी आते जा रही। पार्टियां सारी जोरों शोरों से नामांकन भी जारी रखी हुई है। इसको चुनाव को लेकर के हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे लोगों से। सर, आपका क्या नाम है? राजेश त्रिपाठी। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखिए, सरकार आने की जहाँ तक बात है, सरकार तो अगर गुंडागर्दी को देखा जाए तो योगी जी को लाना देश हित में बहुत अच्छा होगा। सर, कल बजट भी आया है, तो बजट को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब इससे चुनाव में कोई फायदा होगा? नहीं, बजट तो सकारात्मक नहीं है। बजट से खुश नहीं है? नहीं नहीं, बजट तो अच्छी बजट नहीं है प्रदेश हित में। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको बजट से कोई उम्मीद? बजट जैसे तैसा है, मध्यम वर्ग लिए गरीब लिए कुछ नहीं है बजट में, कुछ नहीं। सर, महंगाई भी काफी अपने चरम सीमा पर है, तो इसको देख करके कोई चुनाव में कोई असर पड़ सकता है? हाँ, असर पड़ेगा। जो नहीं समझते हैं असर पड़ेगा। महंगाई तो है ही, जो 200 रुपया मजदूरी थी आज 400 मिल रही, महंगाई काहे की है? तो काम करेगा उसके लिए महंगाई है। कोई मैं डीएम कलेक्टर तो था नहीं, तो मैं बेरोजगार हो गया। भाई मेहनत करेगा, काम करेगा। महंगाई अब गैस सिलेंडर कह रहे हैं 950 हो गया, और 2014 में गैस सिलेंडर 958 रुपये का था, जब 6 मिलते थे 13 में, अब तो 12 मिलते हैं। सब्सिडी भी आती है 35 रुपया। गैस सिलेंडर महंगाई नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई कम। सर, डीजल पेट्रोल भी तो बहुत महंगा होगा। डीजल पेट्रोल जब महंगा सस्ता होगा तभी महंगाई कम होगी। ट्रांसपोर्टर भाड़ा बढ़ गया, दुगना हो गया। इसलिए अब बजट को ऐसा नहीं, मध्यम वर्गीय लिए बजट बिल्कुल बेकार है, गरीब लिए बजट बिल्कुल बेकार है। बजट को सर, किसानों के लिए भी तो मतलब बजट से कोई लाभ नहीं हुआ? नहीं है, एसपी वाले उन्होंने बढ़ाया कि इतने इतने रुपयों की वही एमएसपी खरीदी जाएगी, ये सब है। बजट के केंद्र पर छूट दी गई है। बजट किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान अभी सरसों तेल 220 रुपये में था, किसान की वो सरसों 8,500 में बिकती थी। वह किसान के ऊपर तो है, हम लोग खाद्यान्न, किसान महंगा बेचेगा तो हम भी महंगा मिलेगा। लोग कह रहे तेल 220 हो गया, सरसों की 8,500 रुपये हो गई क्विंटल। सर, चुनाव पे इससे कितना असर पड़ेगा? चुनाव पर असर पड़ेगा, कुछ बीजेपी के मौजूदा विधायकों ने क्षेत्र में दौरा नहीं किया, कोई काम नहीं किया जनहित में, जनता संपर्क टूटा, इसलिए फर्क पड़ेगा। इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार जनता की सरकार आएगी, लोकतंत्र की सरकार आएगी, समाजवाद की सरकार आएगी। सर, समाजवाद की सरकार से क्या समझूं मैं? समाजवाद की सरकार से आप अखिलेश यादव की सरकार समझिए। अच्छा सर, मतलब ऐसा क्या लाभ होने वाला है इस सरकार में? अच्छा, आपको नहीं दिखाई पड़ा किसान धरने पे बैठा रहा? इन किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, नक्सली कहा गया, और जब चुनाव करीब आया तो कानून वापस ले लिए। ये भाई हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के लोग क्या हिंदुस्तान में धरना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, कहा कि नहीं कहा? आज जब कानून वापस लिया गया तो खालिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे, नक्सलवादी नहीं थे। तो आरोप लगाना, अब आप देखिए इलाहाबाद, आपने देखा इलाहाबाद में किस तरीके से नौजवानों को हॉस्टल में घुस घुस के मारा गया। एक भाई मेरा भी मारा गया, क्या दोष था? रोजगार मांगना सरकार के खिलाफ दोष हो गया? सर, कल बजट भी आया है, तो उससे आप लोग खुश हैं? देखिए बजट में क्या है, बजट में ये है कि एक झुंझुना, ये सरकार ने कहा ना कि एमए बीएड करके नौजवान पकोड़ा तले, ठीक है, अपने लड़के को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाएंगे और किसानों गरीबों को बनाएंगे क्या कहते हैं पकोड़ा तलने का रोजगार, यही बजट है और क्या है? सर, बजट से लगता है कि वो चुनाव के लिए बजट लाए हैं? बजट में तो कुछ दम नहीं है, भाजपा गई बस, खत्म है, कुछ नहीं है। सर, किसकी सरकार है? समाजवादी की, पूर्ण बहुमत से आ रही है समाजवादी। सर, बिजली फ्री देने को कहा जा रहा है? हाँ, सब मतलब जो काम अखिलेश कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और किया है अपने उसमें टाइम में। भाजपा सरकार 24 घंटा बिजली दे रही है, और फिर भाजपा सरकार बनने वाली है, 10 मार्च को पता चल जाएगा कि नई सपा है या पुरानी सपा है। ये कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, क्या इसमें कुछ नया कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमको। सर, विपक्ष बजट को लेकर के भी खुश नहीं है ना खुश है? देखिए ये लोग क्या जाने कि बजट क्या चीज़ होता है, जो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, इधर उधर से दलाली करके अपना घर चला रहे हैं, तो ये क्या जाने बजट क्या चीज़ होती है? जिसको अच्छा लगता है वो बजट, वो भाजपा को वोट देगा।
सरकार तो जो सरकार है इसके खिलाफ है सरकार आएगी। सर किसकी आएगी खिलाफ, मतलब जो सरकार है उसके खिलाफ सरकार? कल में तो सपा ही दिख रही है सर। ऐसा कोई दो काम बता दीजिए जो सपा ने अच्छा किया और भाजपा ने ना किया। आज भाजपा का तो जितना बखान करिए उतना ही कम होगा। महंगाई चरम पर है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो केवल महंगाई और अत्याचार की वजह से मुद्दे खत्म हो गया जो वो बनाना चाहती है। जिस बदौलत बीजेपी पैदा हुई उसका मुद्दा खत्म हो गया। जनता उधर देखना ही नहीं चाहती है उस मुद्दे के तरफ न उसके तरफ। तो और क्या उसकी बताएं, कोई एक काम आप ही बता दीजिए जो उनका देखी है बढ़िया। सर आप बता दीजिए कोई एक अच्छा ऐसा काम जिससे जिसकी सरकार आएगी वो करेगी आगे चलकर। किसानों को रोजगार को किसान को रोजी रोजगार देगी सपा सरकार। नौजवानों को रोजगार चाहिए, गरीबों को भरपेट खाना चाहिए। 200 करुआ तेल हो गया, डीजल पेट्रोल क्या नहीं मांगा, सब चार गुना से कम कुछ नहीं बढ़ता है, इसमें दो गुना चार गुना ही बढ़ता है। इससे चुनाव पर असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। बता तो रहे हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ सारी जनता जो है, जो हिंदू मुस्लिम इधर उधर राइट करते थे, किसी भी जात धर्म के लोग अब उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो चाहे जितना मंदिर मस्जिद चिल्लाए, अपने आप चिल्लाते हैं, अपने आप सुनते हैं। सभी लोग का ध्यान अब महंगाई और रोजगार पर आ गया है, इसलिए वो उनका इस बार दाल गलने वाली नहीं है। वो उनका मुद्दा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मिली जुली सरकार को लाना चाहते हैं, मतलब सबका कहना ये है कि वो बजट से नाखुश भी हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि वो बजट से खुश भी हैं क्योंकि सरकार अच्छी है और आगे चल के और काम भी अच्छी करेगी। कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं सोनाली सिंह, देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।